महंत और साध्वी के बीच चल रहा बवाल थमा, साधु संत समाज के मान सम्मान को देखते हुए किया समझौता। संत रामेश्वर दास महाराज और कथावाचक साध्वी के बीच चल रहा बवाल आखिरकार थम ही गया। दोनों ने अपनी सहमति से साधु संत समाज के मान सम्मान को रखते हुए दोनों ने समझौता कर लिया। साध्वी महिला कथावाचक ने कहा कि रामेश्वर दास महाराज जी ने जो भी अश्लील बातें मुझसे फोन पर की और जिस तरह से मेरे साथ छेड़छाड़ की, उसके लिए उन्होंने मुझसे क्षमा मांगी है और उनके शब्द उन्होंने वापस लिए। मैंने भी साधु संत समाज के मान सम्मान को रखते हुए उन्हें क्षमा कर समझौता किया है। उन्होंने जितने भी मुझ पर आरोप लगाए थे वह सब निराधार रहे। मेरी तरफ से यह कहना है कि रामेश्वर दास जी महाराज ने मेरे साथ जो अश्लील हरकतें की, जो अश्लील बातें की मोबाइल पर, उन्हें उनका खेद है, वो क्षमा प्रार्थी हैं और मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। संत समाज ने मुझे समझाया कि बेटा साधु समाज की बदनामी होगी, तू हमारे कहने पर क्षमा कर दे, तो मैंने सभी संतों के कहने पर क्षमा कर दिया। इधर महंत संत रामेश्वर दास महाराज जी ने भी मीडिया से बातचीत में कहा कि जाने अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ, और जो कुछ भी मैंने अनजाने में कथावाचक के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसके लिए मैं साध्वी महिला से क्षमा मांगता हूँ, और उस विवाद में अपने बचाव के चलते जो कुछ भी मैंने अनावश्यक बयान दिए थे वो सब मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ और इसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, वो साध्वी जी और महंत जी के बारे में शादी के चिंता मन में होने के संबंध में मैंने जो कहा था, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ और अगर मेरे शब्दों के कहने से उन्हें अगर ठेस पहुँची हो तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ।